next problem of my next, the flow of charge can occur by revolving of electron around nucleus, right? If an electron is moving in a circular path of radius r with velocity v, then equivalent current is क्या होगा? अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि normally nucleus के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्लो करते हैं इन डिफिनेट ऑर्बिट. अगर मान लीजिए कि इफ आर इज रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी अराउंड द न्यूक्लियस देन व्हाट विल बी इक्विवेलेंट करंट, राइट? हम जानते हैं कि व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक क्या हो जाएगा? देखिए अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इन वन कंप्लीट राउंड या इन वन कंप्लीट सर्किल ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दिस विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई r और वेलोसिटी क्या है v, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई r बाय v एंड व्हाट फॉर q, दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इक्विवेलेंट करंट, देयरफॉर इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट I will be equal to Q by T. हम लोग ये कहेंगे जैसे E by T which is equal to, देखिए अब E तो E हो गया and by T कितना हो गया 2 pi R by V है तो into V, तो equivalent current हो जाएगी हमारा, this will be the equivalent current, right? Next topic, when a conducting non-conducting charge ring of radius r having charge q distributed unevenly over it rotate with an angular velocity omega, the equivalent current will be. अब देखिए यहीं पर हम कहते हैं suppose this is a ring of radius r. Now this is a ring of radius r which is having charge q. इस ring के ऊपर में टोटल चार्ज q है और q का डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट इज इवनली यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली ये कुछ नहीं है, चाहे q एक जगह हो या पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया हो या जहां तहां हो, टोटल सम ऑफ चार्ज इज q, राइट? एंड इफ दिस रिंग इज मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, राइट? देन इक्विवेलेंट करंट, देन I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट करंट विल बी इक्वल टू अगेन Q by T यही होगा और T हम जानते हैं T कितना होगा? T will be equal to 2 pi by omega, क्योंकि omega होता है 2 pi by T, तो T will be equal to 2 pi by omega, तो this will be equal to Q by T और T के जगह रख दिए 2 pi by omega, omega ऊपर चला जाएगा, तो this I equivalent will be equal to Q omega by 2 pi, right? तो अब आइए इसको एक problem के थ्रू सॉल्व करते हैं. A non-conducting ring of radius r has charge Q distributed unevenly over it, unevenly means non-uniformly. If it rotates with an angular velocity omega, the equivalent current will be equal to 0 Q omega, Q omega by 2 pi and Q omega by 2 pi r. So this is Q omega by 2 pi. C will be the correct option. This C will be the correct option. Okay, thank you.